सब्सक्राइब कीजिए लाइफस्टाइल इन्फो ट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हमें ऐसी कई गंदी आदतें होती हैं जिसे हम रोज करते हैं और जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य और सेहत हमेशा बिगड़ता रहता है और आगे चलकर हमें इन छोटी छोटी गलतियों का बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन सारी गंदी आदतों को अपनाना छोड़ दें जिससे आपको नुकसान हो। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसे हम रोज अनजाने में करते हैं और इस टॉपिक पे ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस में और 10 गलतियों के बारे में बताया है जिसे आपको जानना जरूरी है। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर दिए आई बटन को क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, धूम्रपान करना। धूम्रपान करना कोई आदत नहीं बल्कि ये एक लत है, एक बीमारी है जो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती और ये एक आम बीमारी है जो बहुत लोगों को लग चुकी है। अब इस आदत के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? आप इसके बारे में हर जगह देख और सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप टीवी में भी देखे होंगे कि धूम्रपान जानलेवा है। इस बीमारी का परिणाम केवल मौत है। यह आदत इस लिस्ट की सबसे गंदी आदत है, तो प्लीज इस आदत को अपनाकर आप खुद की और अपने चाहने वालों की जिंदगी बर्बाद ना करें। नंबर 2, हमेशा झूठ बोलना। यह आदत लगभग हर इंसान में पाई जाती है। अब आप पूछेंगे कि यह आदत हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया की सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती हैं, जैसे कि झूठ बोलने से हमारा तनाव बढ़ता है। और आपको तो पता ही होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे हमारा झूठ बढ़ता जाता है और तनाव भी। और ये आदत आपके स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन को भी बर्बाद कर सकती है। इसलिए जितना हो सके उतना कम झूठ बोलें। नंबर 3, हमेशा हर बात पर दवा खाना। पहले के मुकाबले आजकल के लोग छोटे मोटे समस्याओं में भी दवा खाने लगते हैं, जैसे कि सिर दर्द, बदन दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार या पेट दर्द आदि। लोग थोड़ा भी सहन नहीं करना चाहते, बस तुरंत ठीक हो जाना चाहते हैं। हाँ, मानता हूँ कि ये दवाइयाँ हमारे बीमारियों को नष्ट करता है और हमें ठीक करता है, पर यह बात भी उतना ही सच है कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये दवाइयाँ एक बीमारी को ठीक करती है तो दूसरी बीमारी पैदा कर देती है। इन दवाइयों से लीवर भी खराब होता है, इसलिए जितना हो सके इन एलोपैथिक दवाइयों को अवॉइड कीजिए। इसके बजाय आप घरेलू इलाज करें और बीमारियों से छुटकारा पाएं। और जब बीमारी गंभीर होने लगे और घरेलू इलाज काम न करें तो ही आप इन एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करें। नंबर 4, नाखून चबाना। हमारे हाथ दिन भर किसी न किसी चीज को छूता ही रहता है। इसकी वजह से कई प्रकार के कीटाणु हमारे हाथ में चिपक जाते हैं। हाथ धोने से हाथ के कीटाणु साफ तो हो जाते हैं पर नाखून के नहीं। नाखून में वो कीटाणु जमा ही रहते हैं, इसीलिए नाखूनों को कभी नहीं चबाना चाहिए। इससे कीटाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। नाखून चबाने की वजह से ही हमें बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है, इसलिए नाखून कभी नहीं चबाना चाहिए। और हाँ, नाखून को हमेशा छोटा ही रखें और समय समय पर काटते रहें और खाते समय अपने हाथ को अच्छे से जरूर धोएं। नंबर 5, ज्यादा जंक फूड खाना। ये बात तो आपको पता ही होगा कि अधिकतर बीमारियां पेट से ही पैदा होती हैं और आप जैसा खाएंगे पेट वैसा ही परिणाम आपको देगा। इसलिए हमारा स्वास्थ्य हमारे खाने पर ही निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा तेल, मसाला या बाहर का जंक फूड खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या हृदय का रोग आदि जैसे बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा घर का साफ सुथरा और पौष्टिक आहार ही लेना चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। तो ये थी वो 5 बुरी आदतें जिसे हम खुद तो रोज करते ही हैं और अनजाने में दूसरों को भी सिखाते हैं। तो इन बुरी आदतों को ना खुद करें और ना ही किसी को करने दें। इन गलतियों को करते समय आपको कोई परिणाम महसूस नहीं होगा, पर आगे चलकर भविष्य में आपको इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इन बुरी आदतों को छोड़ दें और अच्छी आदतों को अपनाएं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले और सब स्वस्थ रहें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा,
क्योंकि हम इसी तरह की यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। ओके टाटा बाय बाय सी यू टेक केयर।